नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको तुलसी और नीम गिलोय का काढ़ा बनाना सिखा रहे हैं। तो डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया या इम्यूनिटी कमज़ोर हो या ऑर्थोराइटिस हो, ऐसे लोगों के लिए ये रामबाण औषधि है। सबसे पहले अपन विशेष रूप से जो नीम के ऊपर जो गिलोय लगी हुई होती है उसके ऊपर से अपन नीम गिलोय लेके आ जाएंगे और इस प्रकार से छोटे छोटे अपन इसमें टुकड़े बना। इन छोटे छोटे टुकड़ों बनाने के बाद में हमें इनको लगभग आधा लीटर पानी में इसको मामदस्ते में कूट के और बारीक बना लेना है इसको। देखिए इस प्रकार से अपन इसको छोटा छोटा टुकड़े जो अपन ने लिए थे तो और अपन छोटा बना लेंगे। जितने भी टुकड़े थे अपने पास में उन सबको ऐसे आम दस्ता है तो उसमें कूट लेंगे, अदरवाइज और किसी वस्तु से इसको छोटे छोटे कूट लेना है। ये हमने इसको कूट लिया है सारे को कूट के और अब इसको अपन ये पानी जो अपन ने उबला है इस पानी में इसको डाल देंगे। अब ये हम इसमें तुलसी शामिल करेंगे। तुलसी को भी हम इसी प्रकार से थोड़ा बारीक सा इसके और इसमें तुलसी को भी डाल दें। ये तुलसी भी अपन ने इसमें शामिल कर दी है। अब इसको 15 से 20 मिनट हम इसमें उबालेंगे। ये उबल रहा है, इसको ठीक से उबाल लेंगे अपन। उबालने के बाद में इसको बारीक चलनी से छान के और इसमें बच्चों को अगर देना है तो इसमें थोड़ा सा शहद शामिल कर लेंगे क्योंकि ये कड़वा, बहुत ज़्यादा मात्रा में कड़वा होता है। तो इसको डेली यूज में अपन शामिल कर सकते हैं जिससे शरीर की इम्यूनिटी बढ़ती है। सर्दी जुकाम बच्चों को कभी नहीं होता इससे। तो संस्कृत में इसको अमृता भी कहते हैं। अमृता अर्थात नहीं मरने वाली, तो नाम से भी आप पता लगा सकते हैं कि जो खुद नहीं मरती वो दूसरे को क्या मरने देगी। अब बच्चों को देने के लिए इसमें थोड़ा सा शहद शामिल कर लेंगे और इसको दे सकते हैं। तो जानकारी कैसी लगी आप? इसको ये शहद है ये भी इसमें शामिल कर सकते हैं।